वेलकम बैक दोस्तों। जी हाँ, मैं अभी लबुआन बाजो में हूँ, जो कि ये इंडोनेशिया का बहुत ही खूबसूरत आइलैंड है। इस आइलैंड के ऊपर मैं अभी हूँ और भी बहुत ही खूबसूरत सा ये होटल है, दी कलेक्शन, लोकल कलेक्शन से बहुत ही खूबसूरत शानदार होटल है यहाँ का। आप देख सकते हैं इसका खूबसूरत सा नज़ारा। और मैं अभी निकलूँगा स्पीड बोट पर, जो कि लेके जाएगा कमोडो आइलैंड और सम पिंकीज की ओर। आप देख सकते हैं बहुत ही शानदार व्यू इस होटल से नज़र आ रहा है। बस थोड़ी देर में गाड़ी आएगी पिकअप करने के लिए। हम निकलेंगे चार आइलैंड पे लेकर जाएगा, पिंक बीच और कमोडो आइलैंड। तो जी हाँ, बने रहे मेरे साथ दोस्तों, आपको दिखलाते हैं बहुत ही खूबसूरत सा व्यू आज का दिन, बहुत ही रोचक और क्या करेंगे इंटरेस्टिंग होगा। चलते हैं। बहुत ही प्यारा सा होटल है जी हाँ। कभी अगर आप लबुआन बाजो आएँ तो इस होटल में जरूर रुकें। बहुत खूबसूरत सा व्यू यहाँ से दिखाई देता है और आप देख सकते हैं यहाँ से वगैरह। और ये है होटल का खूबसूरत सा व्यू। निकलते हैं आप गाड़ी को और चलते हैं, सपोर्ट तो लेते हैं, बने रहने साथ। जी हाँ दोस्तों, मैं अभी मरीना में पहुंच चुका हूं। मरीना यहां का काफ़ी जाना माना जगह है। यहां से आप देख सकते हैं वो स्पीड बोट पे लेकर जाएगा और हम जाएंगे कमोडो आइलैंड पे। काफ़ी खूबसूरत सा व्यू, मरीन लबुआन बाजो के पास में है वैली। जी दोस्तों, अभी ये हम लोग पहुँचे हैं पराडा आइलैंड के पास में। ये सामने जो बोट है उसी में आए थे हम लोग, 20-25 लोग का ग्रुप था इसमें। आप देख सकते हैं खूबसूरत सा नज़ारा यहाँ का। हम लोगों को 40 मिनट दिया यहाँ पे, चारों तरफ पहाड़, बीच में ये देखें। जी हाँ दोस्तों, थोड़ी सी हाइक करने के बाद इस हाइक पर पहुँचा हूँ। अभी और ऊपर जाना है इस मिडिल हिस्से का, ये देख सकते हैं आप। अभी और ऊपर चढ़ के लोग जा रहे हैं ऊपर, देख सकते हैं उस हाइट पर, वहाँ पर जाना है। दोस्तों इस सामने जो पहाड़ दिखाई दे रहा है, इंडोनेशियन करेंसी में ये इस पहाड़ का व्यू है, पिक्चर है। अभी जो हमारा गाइड था वो बता रहा था कि ये पहाड़ 50,000 रुपये के ऊपर प्रिंटेड है, ये सामने वाला पहाड़। ऊपर जाने से 3 आइलैंड दिखाई देंगे वहाँ। चलते हैं ऊपर की ओर। बहुत चढ़ाई है यार, हालत पतली हो गई। अभी और ऊपर जाना है, बट इट वर्थ इट टू कम अप हियर। ऊपर से खूबसूरत सा व्यू दिखाई देगा भाई, तीनों आइलैंड यहाँ से नजर आएंगे, इसलिए चलते रहो ऊपर। जी हाँ दोस्तों, ऊपर पहुँच चुके हैं, काफ़ी उजान भी आए, सांस फूल रही है। और यहाँ से आप देख सकते हैं इस खूबसूरत आइलैंड का व्यू। बहुत ही प्यारा
adik. Sana dah. Tu foto sendiri. Yo. Indonesia full of Kevin. कई हज़ार से ज़्यादा आइलैंड हैं, उनमें से भी एक ही आइलैंड है। अब यहाँ से नीचे पानी देख सकते हैं कितना सफ़ा क्लियर है, कोई गंदगी नहीं यहाँ पे। हम लोग नीचे से दोस्तों यहाँ पे आके साइड पे आके स्क्रीन करने का मन कर रहा है। अब बड़ा ही रोमांचक व्यू, बहुत ही मज़ा आ रहा है दोस्तों। आप लोग जरूर यहाँ पे आए। जी हाँ दोस्तों, अभी हम लोग पिंक बीच पे पहुंच गए। ये बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही पॉपुलर आइलैंड है, देख सकते हैं पूरा गुलाबी नज़र आ रहा है यहाँ से। आप देख सकते हैं पिंक बीच आइलैंड। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही ज़बरदस्त नज़ारा। अभी हम पिंक बीच, ये पिंक आइलैंड है इंडोनेशिया का, जो कि लबुआन बाजो के पास में है, 40 मिनट की बोट राइड पे आप यहाँ पर पहुँच सकते हैं। आप देख सकते हैं काफ़ी ही ज़बरदस्त का कलर है, पिंक कलर है, आप देख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी सनी, आप देख सकते हैं बहुत ही क्वाइट बीच है ये बाली कंपैरिजन में। अभी हम बाली जाएंगे, मगर पहले यहाँ पे आना होगा। काफ़ी नाम सुना था इस पिंक बीच का, पिंक कलर का। ये देखें आप, सैंड पूरा पिंक है। और ये देखिए स्नो पिंक कर रहे हैं ये लोग, आप देख सकते हैं क्रिस्टल क्लियर वाटर है, एकदम एकदम सफा पानी है। ये देखें आप, एकदम क्लियर। स्नॉर्कलिंग के लिए भी बहुत खूबसूरत जगह है। इस टूर में अभी दो तीन जगह और ले जाएगा, तो आपको दिखाते रहेंगे। अभी फिलहाल इस पिंक बीच पे इतना ही है। आप देख सकते हैं कोई रस नहीं है, एकदम पीसफुल। ड्रोन उड़ाने जा रहा था, मगर उसका सॉफ्टवेयर अपडेट मांग रहा है, तो ये पार्ट मिस हो जाएगा यार। कोई बात नहीं, सही वॉक करके आप लोगों को दिखलाते हैं प्रॉपर का।